सुनो सुनो कोई बढ़िया से वकील से आप बात करना। मैंने जहाँ तक सुना है कि यदि कोई भाई धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर भी ले नहीं तो फिर वो वापस आ जाती है और वो सारे भाइयों, क्योंकि एक पिता के यदि तीन बेटे हैं तो उस बाप की संपत्ति पर तीनों का अधिकार होगा। दोस्तों पंडाल में आई एक महिला गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत ही तंग करते हैं, आइए देखते हैं इस बात को लेकर गुरुजी क्या कहते हैं। सुनो, राधे राधे। गुरुजी मैंने 6 महीना होगा आपकी टीवी पर संस्कार पर देखूँ सूँ, आपकी कथा में सुनूँ सूँ, तो उस पर मैंने इतना ज्ञान आ गया और इतनी मैं या करूँ कि मैं कभी वृंदावन जाऊँ और कद मैं गुरुजी से बात करूँ। मेरा आदमी मरने के बाद मेरा सुसर का नाम से मेरा दोनों जेठ अपने नाम जमीन उतरवा ली और मेरे लड़का ने विवाह दिया मध्य प्रदेश, तो वह बहू भी नहीं आती, वहाँ ही मेरे लड़का को लेगी और मेरी जमीन उसके आप मेरा जेठ आपके नाम उतरवा ली, बताओ मैं क्या करूँ। किसकी जमीन थी वो? मेरा ससुरा का 3 लड़का था, एक बड़ो तो ससुरा ने तीनों को बंटवारा नहीं किया बराबर? नहीं दिया, जीता है बुड्ढा है तो एक तो फौजी है बड़ा बीच का मास्टर है मेरा। तो अभी आपके ससुर जिंदा हैं? अरे तो उनसे बोलो कि भाई ठीक करो सबको बराबर बराबर। ससुरा तो ऐसा नहीं था, फिर मेरा जेठा लालच में आएगा, एक फौजी है एक मास्टर। नहीं, जेठा भले लालच में आ गया लेकिन यदि उसने अपने नाम पर भी करा लिया है तो ऐसा कानून है कि पिता अपने सारे बच्चों को बराबर दे सकता है, यदि चली गई उसके नाम पर तो वापस आ जाएगी। नहीं मैं दो बार पंचायत कर ली। सुनो सुनो कोई बढ़िया से वकील से आप बात करना। मैंने जहाँ तक सुना है कि यदि कोई भाई धोखे से सारी जमीन अपने नाम कर भी ले तो फिर वो वापस आ जाती है और वो सारे भाइयों, क्योंकि एक पिता के यदि तीन बेटे हैं तो उस बाप की संपत्ति पर तीनों का अधिकार होगा। एक ले भी लेगा तो गवर्नमेंट वापस करके तीनों में बांट देगी, ये नियम है। तो आप लोग थोड़ा कानून का भी थोड़ा सा कोई वकील वकील अच्छे से पकड़ो और नहीं नो तो समझो। नो तो मैंने स्टे लगवा रखी है पर वो स्टे तुड़वाने का चक्कर है उनका, तुड़वा के वो इंतकाल मन गाँव का सलाह दी मैं स्टे लगवा। आप अपने ससुरा से बात करो और ससुरा ना सुने तो फिर पुलिस वाले से बात करो, जो कंप्लेंट करो जो आपके साथ गलत किया है। पुलिस तो यह कहती है कि वो कोर्ट कचहरी करेगा, हम नहीं करते। हाँ तो कोर्ट कचहरी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वकील लगाओ काम होगा। ये बहू भी यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश में अकेली हूँ, मेरे बार बाकी इतनी इतनी कोशिश करते हैं। मैं भिवाड़ी एसपी कन गई थी, जब मैं जी रही हूँ आपके कथा सुन सुन के मैं जिंदगी काट रही हूँ गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूँ और मैं मेरा बेटा समझ के आपने मैं बेटा कहती हूँ टीवी पे, अब तो मैं आपने गुरुजी कहती हूँ, नहीं मेरा बेटा सम्मान, मेरा बेटा 19 आप मेरे 21, आपकी कथा सुन सुन के जिंदगी काट रही हूँ। मेरा आदमी मरने के बाद जमीन करवा दी और स्कूल बेच दी मारी। आपका बेटा कहाँ है? मध्य प्रदेश। क्या करता है? मतलब कमाऊँ सर खाएँ से, छोटी मोटी कंपनी का काम करे। बहू? बहू भी उठे से। तो बहू बेटा अच्छे हैं? हाँ सही से, पर बेटो इतना ज्ञान को ना स्टे भी मैं मेरी लड़की लगवाई से। कितने बेटे हैं आपके? एक एक, एक ही है। हाँ। तो उसको बोलो कि वो थोड़ा सा भाग दौड़ करे काम करे तो वो जमीन आ जाएगी, वरना तो हड़पने वाले हड़प ही लिए हैं। लड़का तो मेरा इतना डरे नुकमन तो ये मारे स्टे मेरी लड़की में लगवाई नुकमन तो ये पिटते इतना डरपोक से। कोई बात नहीं, आप माँ हो ना, आप बिल्कुल हिम्मत से काम लो और आप न्याय दिलाओ अपने बेटे को और आप अपने आप को न्याय दिलाओ। आप कर सकती हो, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी चाहे सब कर ले। गुरुजी एक बात, गलत यदि है कोई तो आप लड़ सकते हैं, गलत है तो गलत था दुर्योधन, इसलिए ना महाभारत हुआ। पहले तो प्यार से समझाया भगवान ने दुर्योधन के, भाई मान जा, आप भी समझाओ अपने ससुरा को और अपने जेठ को कि भाई मान जा प्यार से, हमारा अधिकार हमें दे दे। आपको कितनी जमीन मिली है अभी? अब जोतने के लिए मैंने तो 3.5 बीघा जोत रही हूँ, 30 बीघा जमीन है। तो ना आपके ससुरा की 30 बीघा जमीन नहीं है? हाँ। 30 30 हाँ। 30 ना 30 मतलब बीघा 30 हाँ। बीघा हाँ। 30 बीघा में आपको 3 बीघा मिली है? हाँ 3.5 जोत रही हूँ मैं, नाम आपकी जमीन उसके नाम करवा दी। तीन बेटा है और 30 बीघा जमीन है तो 10-10 बीघा मिलनी चाहिए सबको। नहीं नाम करवा दी, अरे करवा दिया है तो भी आपको मिल सकती है यदि आप तरीके से काम करोगी तो, क्योंकि पिता की संपत्ति पर 3 बेटे हों या 4 बेटे हों या 5 सबका बराबर हिस्सा होता है। बाप कुछ अपनी दे जाए अलग से वो अलग विषय है। गुरुजी सुनो, वह तो नाम हो भी जाती पर मन गांव का सलाह दी, जब मैंने इस्टे लगवा दी नहीं तो इंतकाल के बोलो खुल भी। चलो बढ़िया से इस सब्जेक्ट को जानने वाले जो लोग, मैं इस विषय को बहुत अच्छे से नहीं जानता भैया, वकीलों का काम है। सुनो स्कूल भी ऐसे थी, मैं झूठ नहीं बोलू, मैं ठाकुर जी का मंदिर में चढ़ के ये भाषण कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलू मेरी जिंदगी में। स्कूल भी ऐसे थी, उस दोनों भाई दादा पैसा कर लिया, ये भी आप बताओ मैं कहाँ जी हूँ आपकी कथा। चलो भगवान आपको न्याय दिलाए और आप सुखी रहें, ये भगवान से कामना है। आपकी कथा के लिए आपकी शरण में जी रही हूँ, आपकी कथा सुन सुन के खुश रहिए आप। नमस्ते, राधे राधे गुरुजी। दोस्तों सुना आपने किस तरह महाराज जी ने इनकी सारी बातों का हल एक साथ बता दिया,
क्यों? क्योंकि इनकी जमीन हड़पी गई है और इनने बताया कि नारी शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, और नारी चाहे कुछ भी कर सकती है जो मन करे। इसलिए मैं कहता हूँ महाराज जी की बात सुनो, और जो सी बात महाराज जी की अच्छी लगे कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।